सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी यूनिवर्सिटी का, जिन्होंने मुझे इतनी दूर से याद किया और आपको मिलने का एक मौका दिया। मैं आपके चेयरमैन ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी वेदांत गर्ग जी का धन्यवाद करती हूँ, चेयरपर्सन आपके मिथिलेश गर्ग मैम का, फॉर्मर डीजीपी चेयरमैन जिनको आपने आज डॉक्टरेट दी है, उमेश मिश्रा जी, बहुत खुशी हुई है कि हमारे एक आईपीएस कॉलीग को आपने एक पीएचडी ऑनरी डिग्री दी है, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर किरण हजारी जिनको मैं पुराना जानती हूँ और इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की इतनी एक समुन्द्र को संभालते हैं, प्रो प्रेसिडेंट डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा जी और रजिस्ट्रार डॉक्टर हेमा पाटिला। प्यारे बच्चों, आप बच्चे हो, प्यारे स्टूडेंट्स, स्टाफ मेंबर्स, पेरेंट्स और अतिथिगण, अब जब चार जने, चार कॉन्स्टिट्यूएंसीज एक ऑडियंस में बैठी हो, जिसमें स्टूडेंट्स भी हो, पेरेंट्स भी हो, फैकल्टी भी हो और भी गेस्ट भी हो, तो किसके साथ बात करें? स्टूडेंट्स के साथ बात करें, पेरेंट्स के साथ बात करें, फैकल्टी के साथ बात करें, या मैनेजमेंट के साथ बात करें, या गेस्ट के साथ करें, किससे बात करें और किसके साथ नहीं? क्योंकि हर एक की यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में फोकस अलग होती है। तो आओ चारों जने एक कॉन्वर्सेशन शुरू करें, समझने की कोशिश करें कि क्या बात करना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं मेरी जिंदगी के एक्सपीरियंस से या जनरली। सो लेट्स बिगिन विद स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को माइक दीजिए और वो पहले स्टूडेंट्स पूछे, देन वी विल गो टू द पेरेंट्स, देन वी विल गो टू द फैकल्टी एंड देन वी विल गो टू द गेस्ट्स। सो कैन वी हैव द स्टूडेंट आस्क, यू आर अ स्टूडेंट, ओके गो अहेड। नमस्ते मैम, मायसेल्फ आकांक्षा, यू एज यू गो, आपका माइक जा रहा दूर तक जैसे मेरा जा रहा है। आई एम ऑडिबल? Yes, ma'am. You're not audible. Are you audible? Hello? No. Yes, ma'am, I'm audible. Am I audible? Yes. JVN se ek bar zordar taaliyan ma'am ke liye. Now you're audible. Yes, ma'am, now I'm audible. Okay, ab batao. Ma'am, as your quote is, life is an incline, either it goes up or it comes down. So, aap hame kya batana chahengi? Ek hame message aisa dijiye ki jaise ye ups and downs hote hain, तो इनके बीच का जो फेज होता है वो कभी कभी बहुत स्ट्रगलिंग फेज होता है, तो आप हमें क्या कह के मोटिवेट कैसे करना चाहेंगे कि हम उसके दौरान जो भी फेज होता है उस टाइम हम खुद को मोटिवेट कैसे करें एज वी आर अ स्टूडेंट? आपने बात इनकी सुनी है क्या? नहीं सुनाई दी, नहीं दिया, क्लियर नहीं हुआ उनके लिए, क्लियर नहीं हुआ कि क्या आप चाह रहे हैं कि एक मैसेज दो स्टूडेंट्स को। आपने मेरी ये कोटेशन पढ़ी है कि लाइफ इज ऑन एन इंक्लाइन, आइदर यू गो अप और यू कम डाउन, ये आपने कहा कि इसके बारे में एक बताओ। अब आपको सुनाई दिया? ये मेरे पिता ने बोला था जब मैं छोटी उम्र में थी, आपकी छोटी उम्र जैसे, तो मेरे पिताजी ने मुझे बोला था कि बच्चे याद रखना, लाइफ एक इंक्लाइन है, लाइफ एक सीढ़ी है, जिंदगी एक सीढ़ी जैसे है, सीढ़ी ऐसे खड़ी नहीं होती है, टेढ़ी होती है, और वो कभी आप ऊपर जाते हैं और सीढ़ी में आप खड़े नहीं रह सकते। जब आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं एक ही जगह खड़े रह सकते हैं, या आप ऊपर जाएंगे या आप नीचे जाएंगे। जैसे पहाड़ पे जब आप चढ़ते हैं तो क्या पहाड़ पे खड़े रहते हैं? या तो चलते रहते तो चोटी पे पहुंच जाते हैं, नहीं चोटी पे पहुंचते खड़े होते तो क्या होता है? नीचे खड़े सकते। तो इसके पास एक ही चॉइस है आपके पास, चलते रहो तो ही आप चोटी पे पहुंचते। तो ये मतलब इनका, आपका नाम क्या है? आकांक्षा मुझसे ये पूछ रही है कि मैडम ये बताओ कि जब आपने ये कहा या आपके पिताजी ने आपको कहा कि किरण एक जीवन एक सीढ़ी पर, या आप ऊपर जाओगी या नीचे खिसलती जाओगी, आपके पास एक ही चॉइस है, चलती जाओ आप, ये मतलब था। इसका मतलब क्या है?
मैं आपको ये अपने जीवन के एक्सपीरियंस से ही बता सकती हूँ, और ये करियर में भी है। ये मिश्रा जी भी आपके डीजीपी बैठे हैं, इसे पूछो हमारा करियर। हमारे जितने भी पहले से, सबसे पहले मैं आपके घर फैमिली को धन्यवाद करती हूँ, आपने इतनी तपस्या से यूनिवर्सिटी बनाई। आप दोनों ने, आपका परिवार, सब जने इनका धन्यवाद करें हाथ जोड़ के कि गर्ग फैमिली ने ये आपके लिए यूनिवर्सिटी बनाई। आपका धन्यवाद, हाथ जोड़ के धन्यवाद करिए, हाथ जोड़ के धन्यवाद करिए। माँ बाप भी, पेरेंट्स भी, और मुंह से बोलिए धन्यवाद। एक बारी और, एक बारी और, अगर आज ये यूनिवर्सिटी यहाँ नहीं होती, इस बंजारा जमीन में, एक खुश सूखी जमीन पे, तो आपके लिए ये शिक्षा का मंदिर नहीं बनता। मुझे बहुत अच्छी ब्रीफिंग मिली आपके रजिस्ट्रार से जब मुझे एयरपोर्ट से लेने आए, तो इसलिए मैं गर्ग फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने एक डेजर्ट में इस तरीके का एक संस्था खोली। मुझे मालूम है कि कोविड के टाइम पर इस यूनिवर्सिटी को बहुत झटका लगा जब मेन फाउंडर आपके गर्ग साहब यहाँ नहीं रहे। मुझे बताया गया था कि उस वक्त बड़ा धक्का लगा आपकी यूनिवर्सिटी को, लेकिन उसके बाद भी आप उभरे उस चुनौती से। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, ईश्वर से कृपा मांगती हूँ कि करती हूँ कि आपकी यूनिवर्सिटी पर आशीर्वाद रखे और अब आप तरक्की करते रहे और तंदुरुस्त रहे। सो मैं उस, मेरे मन में आया था शुरू से पहले कि मैं पहले गर्ग फैमिली का धन्यवाद करूँ, क्षमा करना मैं पहले भूल गई। लेकिन आपने मुझे ये पूछा, पहले ये बताना चाहती हूँ कि आपकी अब ये स्टूडेंट्स की ओर है, और पर्टिकुलरली गर्ल्स स्टूडेंट्स की तरफ, क्योंकि ये विमेन्स यूनिवर्सिटी है, बड़ी यूनिक यूनिवर्सिटी, बहुत यूनिक यूनिवर्सिटी है जिसमें आप रेजिडेंशियली इसको घर समझ के पढ़ रहे हैं। आपके लिए गर्ग फैमिली ने ये यूनिवर्सिटी आपके लिए घर दिया है, घर, घर जहां आपने माँ बाप ने आप भेजा शिक्षित करने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, शिक्षा और सुरक्षा दोनों आपको मिली ताकि आप अपने जीवन का आधार रख सके। तो मैं ये कहूंगी कि आप बहुत इम्पोर्टेंट समय है कि जो भी अगर मेरे जीवन से आप सीख सकते हैं तो वो है आपका सीढ़ी का आधार क्या है, आधार बनाने आए हैं आप। अगर आप अपनी फाउंडेशन, अपनी नींव को स्ट्रांग कर गए तो जितनी मर्जी ऊपर की इमारत बनाते रहना, चार स्टोरी बनाना, 10 स्टोरी बनाना, चढ़ते रहना, ये आपकी मर्जी। जिस महिला का शिक्षा का आधार स्ट्रांग हो जाता है उसको कोई हिला नहीं सकता है। मैं ये कहूंगी आपके माँ बाप पीछे बैठे हैं, माँ बाप का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आपके लिए सोचा और आपको ऐसी यूनिवर्सिटी में भेजा जहाँ सुरक्षा भी है और जहाँ शिक्षा भी है। मुझे ये भी आपके रजिस्ट्रार मैडम ने बताया कि आपका कुछ यहाँ पर रूल्स है, मैं उसी चीज को आगे आधार एक्सपैंड कर रही हूं कि जो मुझे ब्रीफिंग मिली, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में मुझे बुलाया गया है जहां शिक्षा और सुरक्षा भी है और माँ बाप निश्चिंत होके आपको इस यूनिवर्सिटी को आपके पास भेजा है। लेकिन इसके और भी नियम मुझे बहुत अच्छे लगे जो कि इस वक्त प्रॉब्लम नहीं, बीमारी हो चुकी है। बार बीमारी क्या है कि हम अपना समय ज्यादा से ज्यादा फेसबुक और सोशल मीडिया पर डालते हैं और हमारी कंसंट्रेशन जो है, हमारी स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन कमजोर हो गई है, कमजोर होकर जिसकी वजह से हम सोशल मीडिया पर ज्यादा समय करते हैं ना कि पढ़ाई पर ध्यान दें। और आपको लिमिटेड एक्सेस है सोशल मीडिया के लिए ताकि आप पढ़ाई पर ध्यान दें, ये सही है, फिर पढ़ाई देखते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई की कंसंट्रेशन बहुत कमजोर हो जाती है। ये बहुत अच्छा। और उसके बाद ये भी बताया गया कि आप, क्योंकि ये घर है आपका, आप घर समझ के इसमें आप सब कुछ सीखते हो, पढ़ाई भी सीखते हो, खेल भी सीखते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी सीखते हो, म्यूजिक भी सीखते हो, गेम्स भी खेलते हो, सही है कि नहीं? ये आपकी ताकत है। मैं समझती हूँ कि अगर ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स को पता चल जाए कि ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो उनके घर जैसी है, उसको सब कुछ मिलता है। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपको मिल रहा है ये मुझे अपने माँ बाप से मिला था। मैं कोई रेजिडेंशियल स्कूल में नहीं पढ़ी थी,
मैं रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ी थी, मेरा घर जो था वो एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी ही था। जैसे कि जब मैं स्कूल के बाद खत्म होता था मेरा स्कूल, तो मैं सीधा ही टेनिस कोर्ट पे जाती थी, कोचिंग सेंटर में टेनिस सीखने के लिए, खेलने के लिए, क्योंकि मैं टेनिस की खिलाड़ी थी। और टेनिस की 16 साल की उम्र में मैं इतनी अच्छी खिलाड़ी थी कि मैं नेशनल चैंपियन बन गई थी, और 21 साल की उम्र में मैं एशियन टेनिस चैंपियन बन गई थी। और सबसे बढ़िया बात है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन में स्कॉलरशिप भी पढ़ाई में भी ली थी और स्पोर्ट्स में भी ली थी। मैंने स्पोर्ट्स में भी ली पढ़ाई, उसका क्यों कारण क्या था? कारण ये था, जो आप कर रहे हैं वही हो रहा था जो मेरे साथ, मेरे साथ ये हुआ कि मेरा घर जो था वो मुझे वो दे रहा था स्कूल के बाद जो आपको आज यूनिवर्सिटी दे रही है। आपकी और मेरी आधार में कोई फर्क नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेरे माँ बाप ने मुझे बताया वही मैं आपको आज बता के जा रही हूँ कि आप अपना फाउंडेशन स्ट्रांग करो। जिसकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है उसको कोई हिलाता नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन वो, फिर उसके बाद फाउंडेशन के साथ, फाउंडेशन का मतलब है चरित्र निर्माण, हैबिट्स, आदत, अच्छी अच्छी आदतें पड़ी जाएगी, जिसमें समय वेस्ट नहीं करना, कायदे से पढ़ना, समय का सदुपयोग करना, गाली गलोच नहीं करना, गॉसिपिंग नहीं करना, छूल छपट नहीं करना, आपके पर ध्यान लगाना, ये चीजें हैं जो कि आपकी फाउंडेशन बनाती है। वो अच्छी आदतें जो छोटी उम्र में पड़ती हैं वो छूटती नहीं है, वो आपके साथ साथ देती है। आप चाहे अफसर बन जाओ, चाहे आप बिजनेस में चले जाओ, चाहे आप एजुकेशन, ये सुनिए समाज, ये सुनिए, इनको बोलिए अभी बाद में आना, ये पानी की प्यास बाद में बुझाएंगे, इनको बोला बाद में आना, थोड़ा पीछे से जाओ, पीछे से जाइए प्लीज, डोंट डिस्टर्ब, थोड़ी देर बात करके, आपसे बात करके जाना, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो मुझे मिला, जिसकी वजह से आज भी मुझे उसका फायदा उठा रहा है, मिल रहा है, एक महिला होते हुए, और उन दिनों में मुझे पढ़ाया गया, सिखाया गया, जब महिलाओं को सिर्फ शादी करने के लिए ही पढ़ाया जाता था। जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरी सारी सखियां तकरीबन शादी के लिए ही पढ़ रही थी कि हमें घर अच्छा मिल जाएगा, बस। लेकिन मेरे माँ बाप ने ये नहीं सोचा कि ये घर अच्छा के लिए पढ़ाना है, उन्होंने कहा इसलिए पढ़ाना है क्योंकि तुमने अपना सारा जीवन आत्मबल पर जीना है, आत्म सम्मान से जीना है, तुमने आत्मनिर्भर होके जीना है। क्योंकि जैसे एक लड़के को ये नहीं कहना पड़ता कि तुमने बड़े होके कमाऊ होना है, लड़के को नहीं कहना पड़ता, लड़का तो कहता कि मुझे तो कमाना ही है, मुझे तो अपने माँ बाप की भी पालन पोषण करनी है, अपनी बहनों भाइयों का भी ध्यान रखना है, मैंने तो अपना कुल भी चलाना है। लड़का तो जन्म से ही इस सोच से होता है तैयार कि मुझे तो बड़े होके अपने घर को चलाना है। लड़की ये जन्म से, ये माँ बाप कई बार सोचते हैं कि तुमने तो दूसरे घर में जाना है, इसलिए तुम्हें पढ़ाए ऐसे ताकि दूसरा घर अच्छा मिल जाए। अच्छा, दूसरे घर में जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे घर में भी घर को कैसे बनाना है, दूसरा घर भी सुखी कैसे होगा, दूसरे घर में भी तुझे इज्जत कैसे मिलेगी, दूसरे घर में भी तेरी आइडेंटिटी कैसे होगी, दूसरे घर में भी तुझे आत्मसम्मान कैसे होगा, दूसरे घर में भी तेरा तू भी पहले पास से पालन पोषण कैसे करेगी। सो दूसरा घर आए या नहीं आए ये तुम्हारी चॉइस है, लेकिन मेरे समय पर ये था, लड़कियों को पढ़ाया जाता था सिर्फ तैयारी करने के लिए कि वह एक माइग्रेंट बन के चली जाए। विजय नहीं कहा गया, एक ही अकेली लड़की थी उन दिनों में अपने शहर में, एक ही परिवार था जो उस वक्त अपने बेटियों के लिए ऐसे सोच रहा था, वो था मेरा परिवार। और वो मेरा परिवार ने ये सोचा कि तुम घर अपना नया बनाओ या नहीं बनाओ वो तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हारी समझ, जब तुम बड़ी होगी ये तुम्हारी समझ, लेकिन तुम किसी से कम नहीं होगी, तुम भी अपने पांव पे खड़ी होगी, तुम भी अपना कमाओगी, तुम दहेजों के साथ नहीं जाओगी, तुम बिजनेस के साथ शादी नहीं करोगी, तुम अपना नाम नहीं घुमाओगी, तुम अपनी पहचान नहीं घुमाओगी। जब दिमाग में ये डाल दिया तो मैं यही क्या, उसके लिए क्या किया गया, पढ़ाई भी कराया, स्पोर्ट्स भी कराया, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कराया, ट्रैवलिंग भी कराई, सब कुछ सिखाया, और सिखा के दिमाग में ये डाल दिया
कि उतनी देर शादी शुदी नहीं करनी जब तक तुम भी अपने पांव पे खड़े नहीं हो, तुम अपना नाम नहीं कमाओ और तुम कमाऊ नहीं बनो, और फिर कमाऊ बन के तुम फैसला करोगी अब तुम क्या चाहती हो। सो मैं यही कहूंगी जिस लड़के, इसलिए मैं आपको इस, मैंने ये इन्विटेशन एक्सेप्ट किया इसलिए ताकि मैं ये मैसेज आपको दे दूं कि आज अगर मैं आपकी उम्र में होती, आज मैं 75 साल की हूं, लेकिन अगर मैं आपकी आपकी उम्र में होती तो मैं आपको क्या कह के जाती, मैं आपको ये कह के जाती कि आप अपनी फाउंडेशन बना के जाना, फाउंडेशन को स्ट्रांग बना के जाना, पढ़ाई की फाउंडेशन को स्ट्रांग बना के जाना। और पढ़ाई की फाउंडेशन स्ट्रांग तब होती है जब अपनी पढ़ाई की कदर करते हो। सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना नहीं है, किताब के नंबर लेने के लिए पढ़ना नहीं है, आपने ज्ञान लेने के लिए पढ़ना है, ज्ञान लेने के लिए, ताकि आपका ये जो नॉलेज है, ये किताब आपका पक्का आपका खुद संस्कार भी बन जाए, आपका ज्ञान भी बन जाए, आपको एक विद्वान भी बना दें, ताकि आप भूले नहीं, रट्टा नहीं लगाना, तुमने तोते नहीं बनना, तुमने सिर्फ पढ़ाई खूब करनी है, ऐसे पढ़नी है जैसी दोबारा समय नहीं आने वाला। मेरी जीवन का लेसन आपके स्टूडेंट, मैंने माँ बाप को भी अभी एक मैसेज दूंगी, लेकिन स्टूडेंट्स को मेरा मैसेज एक ही आधा है, एक बात मुझे नहीं बताई गई जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मैं आपकी उम्र में थी जो मुझे नहीं बताई गई, और अगर मुझे बताई जाती तो शायद मैं कुछ और भी करती। वो क्या थी पूछना चाहते हो, क्या चीज जो नहीं बताई गई? वो ये था कि समय बहुत जल्दी उड़ जाता है, समय बहुत जल्दी उड़ जाता है, माँ बाप ज्यादा देर नहीं रहते, माँ बाप ज्यादा देर आपके साथ नहीं रहते, माँ बाप, अगर मुझे पता होता, मैंने छोटी उम्र में सोचती थी माँ बाप तो हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे, मैं इतना बचपन होता है, क्योंकि हमारे बचपन में ये समझ नहीं आती कि ये माँ बाप हमारे साथ हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, वो एक समय के लिए आए हैं आपको काबिल बनाने के लिए, समझदार बनाने के लिए, आपको बड़ा करने के लिए, विद्वान करने के लिए, समझदार बनाने के लिए, बेवकूफ ये करने के लिए नहीं, समय व्यस्त वेट करने के लिए नहीं, समय बहुत जल्दी उड़ जाता है। जैसे याद है स्कूल में थे तुम नर्सरी में थे, तुम प्राइमरी में थे, कितनी जल्दी समय बीत गया, ये भी बीत जाना है, ये भी बीत जाना है। तो हम समझदार कैसे बनेंगे? समझदार तब बनेंगे अगर हम अपने एक एक दिन का हिसाब रखेंगे। ये मुझे समझाया जाता कर कि किरण एक एक दिन का हिसाब मैंने रखा, ये नहीं मैंने रखा नहीं, रखा, लेकिन अगर मुझे समझाया जाता तो मैं और भी रखती, अपने माँ बाप के साथ समय और भी बिताती, अपने माँ बाप को और भी प्यार करती, उनकी और भी इज्जत करती, अपनी बहन भाइयों के साथ और भी खेलती, दोस्तों में कम जाती ज्यादा। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मैं आपको कह के जाना चाहती हूँ कि अगर मेरी जीवन का एक लेसन लेना है, एक तो आधार, अपनी फाउंडेशन बनाने आए हो यहाँ, आप यहाँ रिलैक्स करने नहीं आए, हॉलिडे के लिए नहीं आए, टाइम बिताने के लिए नहीं आए, शादी की तैयारी करने के लिए नहीं आए, सिर्फ नौकरी तैयारी करने के लिए नहीं आए, आप जीवन बनाने आए हो, उसके बाद आप चाहे कुछ भी करो, दूसरे घर में जाओ, अपनी अपना नया घर बनाओ, काम काज बनाओ, ये आपकी मर्जी, लेकिन एक चरित्र निर्माण करने आए हो, जिसका चरित्र निर्माण हो जाए अच्छी अच्छी आदतों का, उसको कोई हिला नहीं सकता। क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर छोटी उम्र में मैंने, क्यों मैं जाती IPS में, मैं भी आराम से कुछ और भी ढूंढ सकती थी, लेकिन चुनौती मैंने मांगी, जब IPS का इम्तिहान दिया तो मैंने चुनौती को बुलाया कि आओ चुनौती, चुनौती मुझे दो, मैं चुनौती के लिए तैयार हूँ। तो आपको अपनी अपनी चुनौतियों के लिए तैयार होना है, काम के लिए तैयार होना है, समय एक जैसा नहीं रहेगा, लाइफ इज ऑन एन इंक्लाइन, यू गो अप एंड कम डाउन, मतलब है कि चुनौतियां तो आती रहेंगी, कभी पहाड़ का टाइम आएगा तो कभी गहरे एक एक गड्ढे का टाइम आएगा, एक कभी डेजर्ट का टाइम आएगा और कभी फ्लड का टाइम आएगा। आपने देखा नहीं क्लाइमेट चेंज भी क्या हो रहा है, कभी इतनी गर्मी हो रही है, कभी इतनी सर्दी हो रही है, कभी बारिश हो रही है और कहीं फ्लड्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है? ये क्लाइमेट चेंज में ने हम सबको उथल पुथल कर देना है,
पता नहीं कौन कब किसका क्या चला जाए, लेकिन वही बसेगा जो उसके अंदर गुण होंगे। तो अंदर अपने गुण पैदा करते जाओ, कोई भी क्लास का एक भी दिन जाया नहीं करो। ये देखो कि अपनी यूनिवर्सिटी में मैं क्या क्या सीख सकती हूँ, क्या क्या सीखना है, क्या क्या सीखने को है, ताकि मैं पूरा सीख कर जाऊं, ताकि मैं बड़ी होके उसका पूरा पूरा फायदा उठाऊं। जैसे मैंने पढ़ाई का जब मैं ध्यान से दिया, मेरा नॉलेज काम आया। जब मैंने आईपीएस का ध्यान दिया तो मेरे इम्तिहान में वो सारा नॉलेज काम आ गया। मुझे कोई कोचिंग सेंटर में नहीं जाना पड़ा, क्योंकि मैंने पढ़ाई अपनी किताबों के साथ ऐसे की थी जैसे ज्ञान है, जैसे नॉलेज है। मेरी माता जी मुझे एक चीज मुझे करती थी जो बड़ी समझदारी करती थी, वो आप भी कर सकते हैं। ये पेरेंट्स के लिए, तुम्हारी छोटी बहनों के लिए है। जब मैं क्लास अगली क्लास में जाती थी, मान लो मैं चौथी क्लास में हूँ, तो पांचवी क्लास के लिए स्कूल बुक स्टोर ले जाती थी। बुक स्टोर में ले जाना तो कहना कि अच्छा किरण को पांचवी क्लास की अभी समर वेकेशन है, तो समर वेकेशन के लिए फिफ्थ स्टैंडर्ड ले जाओ। तो 3 महीने जो गर्मियों की छुट्टी होती थी, तुम क्या करती थी, सोचते हो कि मैं फालतू वेस्ट करती थी। मैं 3 महीने के मैं अपनी सारी अगली क्लास की किताबें पढ़ जाती थी, पढ़ लेती थी, ताकि जब मैं क्लास में जाऊं तो मेरी रिवीजन हो। क्योंकि मैं खेलती भी थी, टेनिस खेलती थी, और देश भर में सफर भी करती थी, ट्रैवल भी करती थी। इसलिए ट्रैवल भी करना, क्लास भी मिस हो जानी, पढ़ना भी, पढ़ाई में भी बहुत नंबर लेने थे, क्योंकि मुझे करियर बनाना था। मुझे मालूम था कि मैं अपने पांव पे खड़ी होंगी, मैं कमाऊ लड़की बनूंगी इस देश में, और मैं अपनी जिंदगी भर अपना कमाऊंगी। और मेरे मन में ये भी था, मैं बड़ी होकर अपने माँ बाप की भी सेवा करूंगी, मेरे माँ बाप की सेवा, ताकि मैं, हम मेरी चार बहनें थी, चारों बहनों में कंपटीशन होता था कि माँ बाप की सेवा कौन करेगा बड़े होके। तो उस कंपटीशन में हमेशा ये होता था, नहीं मैं करूंगी, मेरे मम्मी मेरे साथ रहेंगे, कोई कहता मेरे साथ रहेंगे। लेकिन सवाल उठता है, कंपटीशन होता था कि मैं बड़े होके अपने माँ बाप का नाम रोशन कैसे करूंगी, मेरे माँ बाप को लोग दुनिया कैसे जाने कि मेरे माँ बाप कैसे। तो ये विचारधारा मैं चाहती हूँ कि आप स्टूडेंट्स में अगर आ गई तो ये फिर इस विद्यापीठ का फायदा हो जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी जो आप में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो आपको माँ बाप सुरक्षित रख रहे हैं इधर, और आपको शिक्षित रख रहे हैं, सुरक्षा भी है और शिक्षा, इसी तो शक्ति है, यही नारी शक्ति है। जो शिक्षित नारी होती है वही नारी शक्ति हो जाती है और सक्षम हो जाती है, उसको स्किल भी मिलती है। दूसरी बात मैं आपको ये सोचने कह के जाना चाहती हूँ कि ये कि अपने दिमाग में डाल लो, समझ लो, शादी लड़की ने नहीं करनी जब तक वो कमाऊ ना हो जाए, क्योंकि जब तक आप कमाऊ नहीं होते। और तीसरी बात, अगर शादी होती है और वो दहेज मांगता है तो उसको बोलो गेट आउट, भाग जाओ, आपके लिए कोई जगह नहीं है। और चाहे माँ बाप भी आपको बोले तो नहीं देना, आपने नहीं देनी, क्योंकि जो व्यक्ति शुरू से मांग रहा है, भीख मंगा है, इस भीख मंगे के साथ शादियां नहीं करनी, तो किसी भीख मंगे के साथ शादी नहीं करनी। तो इसलिए गलती मत करना और आत्म बल रखो, आत्म सम्मान रखो। वही लड़की दहेज नहीं देगी जिसमें आत्म सम्मान होगा, वो बिकाऊ नहीं होगी, कोई बिजनेस नहीं करेगी, ताकि इस आदमी वाले और उसके ससुराल वालों को भी पता हो कि हम आप एक बहू लायक पढ़ी लिखी ला रहे हैं, वो कमाऊ भी है और वो भी घर मिलके चलाएगी। ये नहीं अब तो मैं मजे से करूंगी तू चला, नहीं, हम मिलके चलाएंगे, आधा आधा चलाएंगे, मैं भी खर्चा करूंगी, तुम भी खर्चा करो और मिलके चलाओ। और अगर ससुराल तुम्हारे साथ मिला है तो तुम्हें सांस की जरूरत है, अगर कमाऊ होना लड़की तो सांस की जरूरत है, क्योंकि घर में कोई तो होना चाहिए, तो उसकी भी कदर करो, माँ बाप की कदर करो। मतलब ये है कि माँ बाप की कदर करना, चाहे वो ससुराल है चाहे वो मायका है, ये सारे संस्कार आप यहाँ से सीख के जाओ, ताकि आप कमाऊ बनो। इस देश को आज इस देश ने अगर विकसित बनना है, जो कहा जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी, और बिल्कुल स्पष्ट लफ्जों में कह रहे हैं कि जब तक महिला भी कामकाजी कमाऊ नहीं बनेगी, ये हमारा देश 100% टॉप वर्ल्ड में नहीं आएगा। क्योंकि अगर आधी 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 हमारी पॉपुलेशन जो कि महिला है और वो घर बैठी है, समय नहीं
सही तरीके से, चाहे घर में बैठ के काम करो, चाहे वर्क फ्रॉम होम, चाहे घर में ही बैठ के काम करो, चाहे हाथ से ही काम करो, चाहे ऑनलाइन काम करो, चाहे फिक्स टाइम काम करो, काम करो, कमाओ, अपना खर्चा तो निकालो। आपने कभी हाथ नहीं फैलाना कि मुझे कोई आपकी मदद चाहिए। तो मुझे स्टूडेंट्स को ये कहना है और यही कह के जाना है कि आप अपने माँ बाप को, और माँ बाप भी सुन लो पीछे बैठे, खबरदार लड़की को कहा जल्दी शादी कर लो, पता नहीं हमारे जीवन का क्या होगा, पता नहीं क्या हमारे जीवन का होगा। उसको कमाने दो, उसको कमाने दो, उसका बैंक अकाउंट होने दो, और जब वो कहे हाँ अब मेरी शादी के लिए मैं, मेरा मन है और मैं तैयार हूं, और मेरे पास ऐसा व्यक्ति है जो ना लेगा ना देगा, ना दूंगी ना लूंगी, ना उससे लूंगी ना कुछ दूंगी, कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे चाहिए ना मुझे देना कुछ, हम लोग दोनों मिलके घर चलाएंगे। तो माँ बाप को भी बोल दो तो आप उम्र के हो रहे हो, जिंदगी तो मैंने जीना है। तीसरी बात ये भी है कि जब आप एक व्यक्ति ढूंढते हो, शादियां ढूंढते हो, जल्दबाजी मत करना, उससे समझदारी से करना, ये व्यक्ति कैसा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी दोस्तियां क्या है, इसकी नीड्स क्या है, इसकी आदतें क्या है, इसकी तंदुरुस्ती क्या है। कोई जल्दबाजी ना करना, क्योंकि उसी के साथ तो जीवन आपने व्यतीत करना है। इसलिए समझदारी, अब आपने अपनी फाउंडेशन समझदारी की बनानी है, समझदारी से। चाहे आप स्टूडेंट अभी, मैं आपको एक्सपीरियंस दे रही हूँ, आप कहेंगे मैडम अपनी बता रही अपनी बात, मैं आपको समझदारी करूँ, गलती करोगे तो पछताओगे, आज की बात याद करोगे कि हाँ मैडम बोल गई थी कि जल्दबाजी मत करना, हम तो लालच में आ गए कि बड़ा अच्छा घर है, बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ी अच्छी फैक्ट्री है, बड़ा उसका नाम है, पता नहीं उसका चरित्र क्या है, पता तो करो, इंक्वायरी तो करो, करो पुलिस से इंक्वायरी, इसकी पुलिस से इंक्वायरी करो, ये है कब, इसका रिकॉर्ड क्या है, इसकी कैरेक्टर वेरिफिकेशन क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं पता करने। बहुत समझदारी से जीवन व्यतीत करना, क्योंकि मैंने देखा है पल पल पे आपको अभी चुनौती आने वाली है। अभी कुछ नहीं आई आपके पास चुनौती, कुछ नहीं आई, फीस बनी बनाई माँ बाप से आ रही है, पढ़ाई पक्की पकाई टीचर से मिल रही है, खाना पक्का पकाया आपको हॉस्टल से मिल रहा है, सारा कुछ मैनेज है। अभी आपको बताओ आपके पास चैलेंज क्या है, यू हैव नो चैलेंज। स्टूडेंट्स को कोई चैलेंज नहीं, अभी चैलेंज तो वो है जब आप अपना घर खुद चलाओगे, नौकरी खुद ढूंढोगे, नया बॉस आएगा, आपके नए कॉलीग्स आएंगे, आपके नए कॉलीग्स आपके फ्रेंड्स भी बनेंगे, फ्रेंड्स नहीं भी बनेंगे, चुनौतियां तो पर्सनल रिलेशनशिप्स की अभी आपने सीखी नहीं है, इसलिए दोस्तियां करनी अब सीखो, ठीक कर से अच्छी फ्रेंड्स अच्छे बनाने अब सीखो, लड़ाई झगड़ों को कैसे रिजॉल्व करना है यहाँ सीखो, जिसको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कहते हैं, और ऐसी दोस्तियां बनाओ जिसमें मिलके काम भी कर सको। कल को बिजनेस भी करना है तो अपनी दोस्तियों में बिजनेस भी करो, ताकि आप दोस्त मिलके कोऑपरेटिव बनाओ, अपनी कंपनी बनाओ, अपना स्टार्टअप बनाओ, अपना कोई इंस्टीट्यूशन खोलो, अपनी दोस्तियों में बनाओ। दोस्तियों इसलिए होती है, दोस्तियां सिर्फ फेसबुक के लिए नहीं होती है, दोस्तियां मिलके काम करने के लिए भी होती है, एक दूसरे का परिवार भी बनने के लिए होती है। अब मेरी बात समझे कुछ कि नहीं समझे? अच्छा और पूछो। अब तुम्हारे मम्मी डैडी को मैंने इनडायरेक्टली बड़ा कुछ बोल दिया, अगर समझदार है तो समझ जाएंगे, समझ गए माँ बाप? अब आपकी राज नहीं चलने वाला, आपका राज नहीं चलने वाला जब आप लड़कियों को पढ़ाते हो तो उनकी सुनना जरूरी है कि वो क्या चाहती है, जबरदस्ती नहीं करनी है। लेकिन एक बात है कि आप उसका अच्छा समझते हैं, माँ बाप से बेटर कौन है जो अपने बच्चों का भला, आप ही भला चाहते हैं, लेकिन उसकी भी बात सुनना जरूरी है, ताकि आप भी जल्दबाजी ना करें और लालच में ना आए या धंधा करके ना अपनी लड़की को भेजे। मुझे सिर्फ आपको यही कहना था, क्योंकि ऐसा घर उनके लिए भी ढूंढना जो उनकी इज्जत करे और उनकी सैलरी ना ले ले, ये कमाऊ आ रही है अब मेरे अकाउंट में डाल, अब ज्वाइंट अकाउंट कर दे, तो ज्वाइंट अकाउंट करेंगे, अपना अपना अकाउंट खोलेंगे और एक दूसरे को देंगे, ये नहीं ज्वाइंट अकाउंट से वो भी नहीं, अब झगड़ा ही करते रहो कि तूने ज्यादा निकाल लिया या तूने ज्यादा निकाल लिया, अपना अकाउंट भी करो ज्वाइंट भी करो, लेकिन अपना अकाउंट 100% अपना रखना है, समझ गए? मैंने देखा बहुत औरतें बहुत लड़कियां गलतियां करती हैं, अंध ब्लाइंड फोल्ड की ज्वाइंट अकाउंट्स खोलती है और बाद में परेशान होती रहती है कि मुझे तो कहता है कि अरे इतने सारे पैसे क्यों निकलवा लिए, मैंने इतना कमाया इतना डाल दिया, अब मुझसे पूछता है कि तूने इतना क्यों निकलवाया, तो पहले तुमने ज्वाइंट अकाउंट क्यों खोला, अपना अकाउंट खोलो,
जॉइंट भी खोलो, जॉइंट से भी निकालो, अपने से भी निकालो, ताकि अपनी इंडिपेंडेंस नहीं खोने। समझे मेरी बात? अच्छा और पूछो, अब मम्मी डैडी को बोलने दो, पूछने दो, कोई माँ बाप है पूछना चाहते कुछ? मम्मी डैडी पूछना चाहते, पेरेंट्स वो चुप्पी हो गए क्या? कुछ गलत बोल दिया तो माफ करना, पेरेंट्स तुम पेरेंट हो क्या? तुम तो बच्चा लग रहे हो। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या हो? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ मैम। क्या है? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ मैम। पेरेंट हो तो? नो मैम। नो, आई वॉन्ट टू पेरेंट क्वेश्चन। सॉरी मैम। आई वॉन्ट नाउ द पेरेंट्स टर्न। अब मैं आप ऑल राउंड पे बाद में आऊंगी। एनी पेरेंट को पूछना चाहते हैं? कोई मम्मी डैडी पूछना चाहते हैं? दादा दादी नाना नानी? अच्छा जो मैंने आपको बताया मैं आपसे पूछ के जाऊंगी, समझ क्या आई? समझ क्या आई वो बताओगे? बारी बारी खड़ा हाथ करके बताओगे? अच्छा अभी पूछूंगी, याद करना, थोड़ी रिवीजन कर लो, रिवीजन। मैंने काफी चीजें बताई हैं, अगर इसमें तो दो तीन चीजें भी याद रहेगी पास हो जाओगे। हाँ बताओ पेरेंट्स। हेलो जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, आगे आ जाओ मैम, मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी आगे आ जाओ। जो बच्चे फेलियर होते हैं अपने एग्जामिनेशन में, अभी भी और आगे आओ ताकि मैं देख सकूँ आपको। हेलो मैम, जो बच्चे फेलियर होते हैं अपने एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन में फेलियर होते हैं, कुछ मार्क्स हैं उनके लिए कुछ पॉजिटिव मैसेज? जो बच्चे फेल हो जाते हैं, फेलियर जैसे यूपीएससी एग्जाम है और है, दो मार्क्स तीन मार्क्स से रहते हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव मैसेज? आपका वॉइस क्लियर नहीं, क्वेश्चन क्लियर नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि मार्क्स में फेलियर है सर, यही समझ आई, और आपका माइक स्ट्रांग नहीं है। हेलो आवाज आ रही है? अब क्लियर है, एको नहीं कर रहा। मैं, मेरा क्वेश्चन है हाँ। कि जो बच्चे एग्जामिनेशन में बैठते हैं और एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाते हैं, कुछ मार्क्स से रह जाते हैं, उनके लिए पॉजिटिव मैसेज क्या है आपकी तरफ से? वही रहते हैं जो अपना समय का पहले सदुपयोग नहीं करते, और लास्ट मिनट नहीं करते। लाइक यूपीएससी, यूपीएससी में, यूपीएससी में तो लाखों बैठते हैं, सिर्फ 1100 पास होते हैं। हाँ तो ये ज्यादा मेहनत वाले जो जिन्होंने ज्यादा पक्की मेहनत की है, प्लान्ड मेहनत की है, स्ट्रेटेजिकली की है, रिसर्च की है, उसके नंबर ज्यादा होंगे। जिन्होंने प्रैक्टिस की है उसके नंबर ज्यादा होंगे। तो यू एवरीबडी कैन नॉट पास, उसमें लाखों स्टूडेंट्स बैठते हैं यूपीएससी में, और यूपीएससी में फाइनली 1100 सिर्फ सिलेक्ट होते हैं। तो ये बाकी कोई फेल थोड़ी होते हैं, सिर्फ 1100 पास होते हैं, 1100 बाकियों ने ट्राई की होती है। तो ट्राई की है तो सिर्फ जिंदगी का शुरुआत, बिगनिंग एंड एंड यूपीएससी थोड़ी है। यूपीएससी तो एक रास्ता है, यूपीएससी को अंत मत समझिए, यूपीएससी एक ही रास्ता है। That's okay. एक एक है, लेकिन there are many others. So why should you say नहीं यूपीएससी नहीं तो कुछ भी और नहीं? ये नहीं बात, यूपीएससी को ट्राई करो, लेकिन जो आप यूपीएससी में मेहनत करते हो वो आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। आप कोई सेकंड स्टैंड बाय, थर्ड स्टैंड बाय पर जाओ। आप जब यूपीएससी के लिए तैयार हो तो आपको अपना सेकंड और थर्ड स्टैंड बाय प्लान करना चाहिए। सिर्फ यूपीएससी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, आपको एक स्किल के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि मेरी स्किल क्या होगी। सिर्फ यूपीएससी नहीं, यूपीएससी में चले गए तो चले गए, नहीं तो मान लीजिए अगर आप वकालत कर रहे हैं, लॉ डिग्री कर रहे हैं, लॉ स्टूडेंट यूपीएससी में बैठ रहे हैं, लेकिन लॉ डिग्री नहीं यूपीएससी में आया, तो आप प्रैक्टिस करो, या जुडिशियल एग्जाम देते हो, और या दूसरे स्टेट सर्विसेज भी है, और भी सर्विसेज हैं, ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ एक ही है, आईएएस और आईपीएस और कोई नहीं, ये गलत है। ऐसा सोचना ही तो परेशानी है। जी मैम, ये क्वेश्चन मेरा था मेरी बेटी के लिए, जिसने यूपीएससी एफआर दिया है और वो दिल्ली में है, और आप रोल मॉडल आप है, को मानती है, उसका फर्स्ट अटेम्प था, आपकी बात वो आगे तैयारी कर रही है, उसी के लिए पॉजिटिव मैसेज मांगा। तो मैंने उसको आपको बोला है, उसको बोलो पास होगी बहुत अच्छा है, लेकिन स्टैंड बाय क्या है? उसे पूछो तेरा स्टैंड बाय क्या है? जी मैम, उसको क्या टीचिंग में जाओगी, रिसर्च करोगी? नहीं, अगर हो गई तो वेरी गुड, नहीं हुई तो प्लान के लिए स्टेटिक्स डिपार्टमेंट उसने यूज कर रखा है। हाँ, तो कोई ना कोई स्टैंड बाय हर एक, जब भी मेरा मैसेज है कि जब आप यूपीएससी का ध्यान दें,
आप एज पेरेंट्स उसको बोलो, अपना सोच के बताओ सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। बिल्कुल मैम, थैंक यू। मैडम मेरा एक प्रश्न है, पेरेंट्स आज बच्चे, हाँ मैं पेरेंट्स हूँ अपनी बेटी का, अगर बेटी है मेरी पीएचडी वाली, मैं ये जान रहा हूँ कि आजकल बच्चे जो है माता पिता की बात को सुनते ही नहीं है। परिवारों में बेहतर इस बात को लेकर के है कि दोनों के बीच में समन्वय हो और बच्चे आगे बढ़े और परिवार की दृष्टि को लेकर के बढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा, ऐसा कोई ऐसा ना होता। ये तो शुरुआत की बात है, अगर आपने बिगाड़ दिया, अगर आपने पहले से बिगाड़ दिया तो बिगड़े होके तो बड़ा टाइम लगेगा ना, इसीलिए तो रेजिडेंशियल कॉलेज का काम आ रहा है, इसीलिए बड़े समझदार पेरेंट्स हैं जो ऐसे रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ऐसे संस्कार लेके जाएंगे, ऐसी पढ़ाई लेके जाएंगे, शिक्षा लेके जाएंगे, ऐसे वैल्यू सिस्टम ले जाएंगे जो कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स नहीं होगा। लेकिन जो आपके साथ में रहते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, क्योंकि आपकी पीढ़ी और इनकी पीढ़ी अलग अलग है, इनकी जरूरत और आपकी जरूरत अलग अलग है, उनका दृष्टिकोण और आपका दृष्टिकोण अलग अलग है। एक ये है टेक्नोलॉजी की एज, पहले है वो बोली थी नॉन टेक्नोलॉजी की एज, सो दोनों का तालमेल बड़ा जरूरी है। अब है सोशल मीडिया का टाइम, तब तक आप ब्लैक एंड व्हाइट दूरदर्शन का टेलीविजन का टाइम, अब बड़ा फर्क है, इसलिए दोनों को अंडरस्टैंड करना, दैट मीन्स आपस में तालमेल, अपनी बातचीत रेगुलरली रखना जरूरी है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, किंतु भारत में एक समस्या है कि लगभग 65% समाज के व्यक्ति रेजिडेंशियल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में रख करके पढ़ा नहीं सकते। हमें उन गरीब तबकों पर भी ध्यान देना पड़ेगा जो इसको वहन नहीं कर पाते खर्च को, उनमें समन्वय पैदा करने के लिए आप जैसा आइकॉनिक भी उनको कोई रास्ता बता सकता है। रास्ता एक ही है कि अपने भोजन मिल के खाया करो जी, भोजन मिल के खाओ, बजाय इस बात पर भोजन मिल के खाओ, प्रार्थना मिल के करो, पाठ पूजा भी मिल के करो, बहुत बढ़िया। तीन चीजें नहीं करेंगे ये कोई इसका, पेरेंट्स भी इस बात को समझेंगे कि परिवार में एक दिन तो साथ रहे, मैडम का लेसन ये। मेरा कहने का है कि समय अगर रात को खाना मिल के खा सकते हो तो जरूर खाओ, अगर नहीं खा सकते तो कम से कम वीक छुट्टी वाले दिन तो खाओ, और अगर नहीं खा सकते तो माँ तो खाए, दादा दादी तो बैठे, कोई तो जिससे बात हो, समन्वय हो। जब समन्वय ही नहीं होगा तो आप समझोगे कैसे एक दूसरे को, इसलिए पूजा भी करना मिलके, पाठ पूजा करना जरूरी है, प्रार्थना करनी जरूरी है, मिलके खाना भी जरूरी है, फेस्टिवल्स को मिलके बनाना जरूरी है, और रूल्स लड़की और लड़के के लिए बराबर होने चाहिए। बराबर होने चाहिए, अगर रात को 10 बजे दरवाजा बंद तो लड़के के लिए भी बंद तो लड़की के लिए भी बंद, दोनों के लिए बंद। ये नहीं कि लड़का है रात को 12 बजे और लड़की बंद हो जाए 9 बजे, नो, खाना द रूल ऑफ द हाउस इज रात को 10 बजे दरवाजे बंद, कोई 10 बजे के बाद नहीं आए। थैंक यू। और ये किरण बेदी मैडम की, कोई जरूरत नहीं, नहीं ये जरूरत नहीं, मेरी बात सुन लीजिए ध्यान से, कि बहुत इम्पोर्टेंट ये भी बात है कि कोई भी फादर शराब पी के घर नहीं आए, कोई भी नशा करके नहीं आए, ये नशा जो है ये परिवारों को बर्बाद करती है। सो जो नियम है वो सबके लिए, अगर 10 बजे है तो कोई भी नशा करके घर नहीं आएगा, चाहे वो लड़का हो या फादर हो। सो जब आप ये नियम चलाएंगे और लड़का भी 10 बजे कहीं गलत जगह से नहीं आएगा तो आपका परिवार में संवाद बनेगा ही। बहुत बढ़िया, बहुत 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 शुक्रिया मैडम, बहुत मन प्रसन्न हो गया, सबको एक अच्छा लेसन मिल गया है। एक बार जय बोलने की अनुमति दे दीजिए, बोलिए क्रम मैडम, मैडम की आदरणीय क्रम मैडम की, इसकी जरूरत बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जरूरत है, ये प्रकृति का बहुत बड़ा मंत्र है। आप धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन टू आस्क, कहाँ है आपकी बात ना, पेरेंट्स से बात, हूज हु यू मैम, मैं एक पेरेंट हूँ, पेरेंट हूँ, बोलो मैम। मेरा नाम रिचा है और मैं अभी पीएचडी, माइक और नजदीक करो मैम। मेरा नाम रिचा है और मैं अभी पीएचडी केमिस्ट्री पास आउट हूँ, और रिसेंटली मैं अभी कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और मैम मेरा आपसे एक क्वेश्चन था कि मतलब मेरी छोटी गुड़िया भी है और मैम, लेकिन थोड़ी कंफ्यूज नहीं है कि मेरे पापा जी मुझे बोलते हैं
कि तेरे में जो कैपेबिलिटी है तू वो नहीं कर पा रही है। तो मेरी गुड़िया भी है मैम छोटी, मैं इससे भी आगे कुछ करना चाहती हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे टाइम निकल गया थोड़ा। थैंक यू सो मच, आप प्लीज देखिए, धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, प्लीज गो अहेड, थैंक यू। हाँ आपका क्या कहना? मैम मेरा कहना ये है कि मैम वैसे मेरी एज अभी 28 है मैम, मेरी गुड़िया है तो आप रिसर्च कर रहे हैं, आपकी बेटी है। हाँ जी मैम, और अभी मैं जो भी कर रही हूँ। अब पिताजी क्या कह रहे हैं? मेरे पापा जी ये बोलते हैं कि मैम कि तू जो बन सकती थी तू वो नहीं बन पाई। अच्छा, और अभी मैं कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैम। तो इतना अच्छा बन तो गई? नहीं मैम, अभी मैं परमानेंट नहीं हूँ, एज ए कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ। अरे पढ़ लिख के प्रोफेसर तो बनी, चाहे वो पक्की है कि कच्ची है, डजंट मैटर। यस मैम, लेकिन मैम मैं इससे आगे जाना चाहती हूँ क्योंकि जो भी एज ए परमानेंट तो मैम ये है नहीं, तो मेरी गुड़िया अभी 2 साल की है मैम। क्या मैं आगे कुछ कर सकती हूँ की अभी ऐसे की परिवार को भी संभाल पाऊँ, कुछ आपका सजेशन चाहती हूँ। अच्छा ये बताओ की शादी में इतनी जल्दबाजी क्यों की और उसके बाद एक बेटी भी हो गई, जल्दबाजी क्यों की? क्योंकि जब आप अपने आप को अभी पढ़ लिख के अभी तैयार ही नहीं हुए और साथ में आपकी मम्मी भी बन गई और आपकी तो आप अभी जॉब भी पक्का नहीं है आपका, तो जल्दबाजी तो की तो फिर भुगतो, आप सब कुछ भुगतो, आप भुगतो। ये आपने खुद प्लानिंग आपकी गलत है, दिस इज रॉन्ग प्लानिंग। आप अपने आपको पहले जॉब पर पक्का क्यों नहीं किया, जॉब पर कठाई क्यों नहीं किया और फिर उसके बाद जॉब जब पक्का बढ़िया नहीं हो गया तो इतनी जल्दी मदर क्यों बन गई? आपने प्लानिंग क्यों नहीं की कि मैं बेटी क्यों बन गई? तो नेचुरली आपने अपनी जिम्मेवारियां तो बढ़ा दी, एक तरफ मदर की जिम्मेवारी, एक तरफ अपनी काम की भी जिम्मेवारी, आगे करियर भी नहीं बना, तो प्रॉब्लम तो आपने अपने लिए खुद क्रिएट की है। तो संभालो इसको, भुगतो, जाओ भुगतो इसको, जाओ भुगतो, जाओ भुगतो। अब मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं। अब आपको तीनों जिम्मेवारियां निभानी पड़ेगी और ऊपर से पिताजी कहते हैं, तो पिताजी अपना दिमाग नहीं है? पिताजी को बोलो कि अब पिताजी मैं माँ भी हूँ, अब मुझे जिम्मेवारी बनानी है, मैं प्रोफेसर भी हूँ, वो भी मैंने रिसर्च भी कंप्लीट करनी है, अब पिताजी अब मेरी चिंता करनी बंद कर दो, अब मैं अपने आप को संभालूंगी। तो पहले तो आपने मेरी बुनियाद पक्की नहीं बनाई और मेरी जल्दी शादी कर दी, अब कुछ चिंता करो मैम। लेकिन आप वाली बात है, मुझे मेरी सास अच्छी मिली है। तो बड़ी ये तुम्हें भगवान ने एक आशीर्वाद दिया है, अगर तुम्हें एक मदर इन लॉ माँ जैसी मिल गई है तो पढ़ाई करते रहो, अपनी बेटी को पालते रहो और आगे तरक्की करते रहो और थोड़ी तसल्ली भी रखो। तसल्ली रखना बहुत जरूरी है। ओके नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम अ स्टूडेंट, नाउ द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट। नमस्कार मैम, आप कौन है? मेरा नाम रघुजीत सिंह है। पेरेंट ऑफ द स्टूडेंट? मैम मैं भाई हूँ, मैं बहन के लिए यहाँ पे आया हूँ कॉन्वर्सेशन के लिए। अच्छा पेरेंट भी हो, रिलेटिव हो? नहीं मैं, हाँ मतलब बहन है मेरी। ठीक है, अच्छी बात। तो मेरा ये सवाल है कि मैं कई माँ बाप से पूछ रहा, एक्चुअली मैं मास्टर्स कर रहा हूँ म्यूजिक की मास्टर कर रहा हूँ, मैं एक प्रोफेशनल सिंगर हूँ, तो मुझे पेरेंट्स का पूरा फुल सपोर्ट है, पर मुझे रिश्तेदारों से और बाकी जितने भी लोग होते हैं उनसे सुनने को आता है कि अच्छा मास्टर्स कर रहे हो पर आगे क्या करोगे? तो म्यूजिक में ऐसा है कि जरूरी होता है कि कोई एकेडमिक्स में कुछ करे, एकेडमिक्स में कोई डिग्री ले और जो करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें कुछ अगर वो कर रहा है तो उसको कम समझा जाता है कि अच्छा सिंगर हो आगे क्या करोगे, नौकरी क्या करोगे या कुछ अच्छा कुछ बताओ, क्या ये एक अच्छी प्रोफेशन है, एक अच्छा जॉब नहीं, जो आपको पसंद है हम वो कर रहे हैं तो क्या वो अच्छी चीज नहीं है क्या? मैं से पूछना चाहता हूँ कॉन्सेप्ट लोगों का। सवाल ये उठता है कि क्या आप दुनिया के लिए जी रहे हो कि अपने लिए जी रहे हो? दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए अपने। तो जब आप दुनिया के लिए जी रहे हो तो फिर तो परेशान होंगे, अगर अपने लिए जी रहे हो और आप म्यूजिक सीख रहे हो तो ऐसे व्यक्ति जब आपको प्रश्न पूछते हैं बोलो एक दिन आप मेरे से सुनना, ये मेरी मर्जी, तो आप उनको सुनो लेकिन उसे परेशान मत हो क्योंकि उनका काम है अपनी सोच के साथ अनुसार क्वेश्चन पूछना। आप अपनी सोच से म्यूजिक कर रहे हो, आप अपने पे विश्वास करो ना, अपने विश्वास को खो मत, जो आप कर रहे हो अपने में कन्विंस करो कि मैं जो कर रहा हूं ये मेरे लिए सही है, दूसरों के लिए हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता, समझे मेरी बात?
सो यू हैव टू बी अपने में कॉन्फिडेंट, अपने में विश्वास नहीं करोगे, अपने में पहले हिम्मत नहीं रखोगे, अपने में कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, दूसरों में जो कहे तो उसके अनुसार चलते जाओगे और अपना कॉन्फिडेंस को शेप अप करोगे। जब मेरी आईपीएस आई थी तो मुझे से बहुत सारे लोग पूछते थे, तुम आईपीएस में जाके क्या करोगी, हो तुमको कोई औरत नहीं है पहले आईपीएस में। मैंने कहा हाँ कोई बात नहीं, मैं हूं ना। सो जब एक स्टेज आ गई जब मेरे से पूछना बंद कर दिया लोगों ने, क्योंकि मेरे में विश्वास था कि जो मैंने निर्णय किया ये सही है। सो अपने आप से पूछो, जो निर्णय लिया सुनो सबकी, करो अपनी, सुनो सबकी, क्योंकि आप रोक नहीं सकते, कान बंद नहीं है, दो कान भगवान ने दिए तो सुनने पड़ेगा, कान बंद नहीं है, लेकिन करो वही जो तुमको सूट करता है। एक्चुअली मैम जो रिश्तेदार होते हैं वो मिसगाइड करते हैं पेरेंट्स को कि ये क्यों ऐसा कर रहा है, इसको तो माँ बाप भी मिसगाइडेड हो जाएंगे, लेकिन तुम कौन सोचो, जिंदगी तुम्हारी है तो उनकी, तुम उनके लिए जीते हो कि अपने लिए, तुमने जिंदगी अपनी जीनी है कि उनकी, अपनी जीनी, तो अपने फैसले करो, अपने में विश्वास रखो, अपना निश्चय अटल करो कि जो मैं कर रहा हूँ इसमें मैं आप पूरा हासिल करूंगा, इसमें जो मैं काबिलियत हासिल करता हूँ वो मैं रोज ऐसी मेहनत करूँ जो मैं इसमें पूरा आगे तरक्की करता जाऊं। तो दूसरे हाँ भी करेंगे ना भी करेंगे, तुम जी रहे हो अपने लिए, स्वार्थ जीवन नहीं है इसको कहते, इसको अपने में विश्वास रखने की बात, अपने में विश्वास पैदा करना, ये प्रार्थना से भी आएगा, पढ़ने से भी आएगा, मेहनत करने से भी आएगा, अच्छे कर्मों से भी आएगा, अच्छी संगत से भी आएगा, स्पिरिचुअलिटी से भी आएगा। मतलब मेरी तो औकात नहीं है मैम, आपने जो बोला वो बहुत बड़ी चीज है, आपके सामने तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर जितने भी पेरेंट्स आए मैं उनको जरूर बोलूंगा कि अगर कोई कल्चरल या किसी भी को-करिकुलर एक्टिविटीज में अगर वो कर रहे हैं तो प्लीज उनको बढ़ावा दें और ऐसा नहीं करें कि ये सिंगिंग को ये वो दे या नहीं दे, ये आपका अगर मन है तो पिताजी के सामने माता जी के सामने हाथ जोड़ दीजिए, मुझे करने दीजिए, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, चिंता मत करिए, उनके साथ इज्जत से बात करो, लेकिन उनकी चिंता अपने कारण है, वो चाहते सरकारी नौकरी पक्की मिल जाए, पेंशन भी हो जाए बच्चा, और शादी भी हो जाए बच्चा भी हो जाए, लड़का भी पहले हो जाए, वो तो ये चाहेंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी, तुम एक और पीढ़ी के हो, पूरी एक और पीढ़ी के, उनकी अपनी सोच, उनको भी अंडरस्टैंड करो कि वो क्यों कह रहे हैं, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज है, उनकी इनसिक्योरिटी को थोड़ा आपको भी दूर करना पड़ेगा, ये तो जेनरेशनल गैप, तो कम्युनिकेशन, इसी को तो कहते हैं कम्युनिकेशन, अच्छी बात है तो ले लो, अच्छी बात नहीं है तो ना करो, ये तो आपकी अपनी सेल्फ काउंसलिंग है, यू ऑल हैव टू डू लॉट ऑफ सेल्फ काउंसलिंग, इट्स कॉल्ड सेल्फ टॉक, यू हैव टू डू योर सेल्फ टॉक, अपने से बात करो, अपने से बात कब करोगे जब समय नहीं निकालोगे अपने लिए, अपने लिए ध्यान लगाओ, समय निकालो, पाठ प्रार्थना करो, किसी गीता पाठ करो, कुछ ऐसी चीज करो जिसमें आपस में अपना स्पिरिचुअल विश्वास पैदा हो। मैं अंधविश्वास की नहीं बात कर रही, मैं अंदर के विश्वास की बात कर रही हूँ, अपने आप में सोचो, इट्स कॉल्ड सेल्फ टॉक, अपने से बात करा करो, जब आंखें बंद करके 10 मिनट भी उठ के बात करो अपने आप से कि जो मैं कर रहा हूँ, कोई अंदर का विचार आएगा, नया विचार आएगा और आपकी अंदर की आत्मा आपको गाइड करेगी। सो अंदर की आत्मा से इनर कॉलिंग को, आपको पता है कि खुश रहने के 4-5 तरीके, नंबर 1 मेहनत रोज करो, नंबर मेरे 4 G's है हैप्पीनेस के, 4 G, नंबर 1 गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से हटो, मेहनत करो रोज मेहनत करो। दूसरी चीज है अंदर के गुरु को पहचानो, दूसरी जी, पहली जी क्या मैंने बोली, गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन, अपनी कंफर्ट जोन को हटाओ, आराम से हटो और रोज मेहनत करो, गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। सेकेंड जी इज अंदर के गुरु को पहचानो, अंदर की कॉलिंग तब होगी जब आप चुप करके बैठोगे। तीसरी है ग्रेटिट्यूड, जो ईश्वर ने मुझे दिया है धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, मुझे तंदुरुस्ती दी, मेरे माँ बाप दिए, मुझे अच्छी सोच दी, आपका धन्यवाद। और चौथा है गिविंग, चौथी जी है गिविंग, जब आप कुछ काम के दूसरे के काम आते हो जाके गिविंग करते हो, कुछ सेवा भाव करते हो, नहीं तो खुश नहीं रह सकते, आप खुश नहीं रहोगे। अगर खुश रहना है आप सबने तो आपको ये 4 G को समझ के जाओ, नंबर 1 गेट आउट ऑफ कम्फर्ट जोन, अपने आराम को छोड़ो और हटो, मेहनत करो अपने आप को, रोज मेहनत करो, एक नहीं एक दिन नहीं, रोज हटो, अब अगर आराम के आदि हो गए तो निकलो, पहली चीज। दूसरा अंदर के गुरु को पहचानो, बाहर का गुरु मिला नहीं मिला, अंदर का तो गुरु है ना,
और तीसरा है ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद करो, और चौथा है सेवा भाव करो, किसी के काम आओ, किसी को दो, किसी को समय दो, किसी को अच्छा विचार दो, किसी को बांटो, किसी के भले काम आओ. दिस इज कॉल्ड गिविंग. फोर जीज टू बी हैप्पी. आफ्टर ऑल सब्जी ने एक ही चीज चाह रहे हो, खुश रहो. खुश रहना है, खुश रहने के लिए चार जी मंत्र है. पहला जी क्या बोला? पहला जी बोला गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन. सारे जने बोलो गेट आउट ऑफ. सेकंड जी अंदर के गुरु को पहचानो, अंदर के गुरु को. तीसरा जी ग्रेटिट्यूड. चौथा गिविंग. अगर आपने खुश रहना है, ये चारों चीजें अगर आप अपने अपने जीवन में उतारने लग जाओगे, आपको जवाब आने लग जाएगा. अंदर का गुरु आपको गाइड करेगा. आप मेहनत भी करोगे, गुरु भी पहचानोगे, धन्यवाद भी करोगे, और काम भी आने लग जाओगे. आप सब जने सुखी रहोगे, खुश रहोगे. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने मुझे समय दिया, आपसे बात करी. थैंक यू सो मच.